साउथ फिल्मों के फेमस एक्टर राणा दग्गुबाती पिछले कुछ दिनों से अपनी नई वेब सीरीज राणा नायडू को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई है जिसे लोगों से शानदार रिस्पांस मिल रहा है। राणा नायडू की कहानी हैदराबाद और मुंबई के गलियों में घूमती नजर आती है। राणा नायडू एक स्मार्ट बिजनेसमैन है जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना पसंद करते हैं। वेंकटेश की सीरीज में दर्शकों को एक्शन थ्रिलर के साथ साथ बोल्ड और एडल्ट कंटेंट देखने को मिल रहा है। फेमस साउथ सुपरस्टार राणा और वेंकटेश की केमिस्ट्री को देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन जिस कल्चर और फैमिली ड्रामा के लिए साउथ की फिल्में और सीरीज फेमस है, उस कंटेंट से ये सीरीज बिल्कुल अलग है। इन दिनों वो राणा नायडू के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। इस बीच एक इंटरव्यू के दौरान राणा दग्गुबाती ने अपनी पिछली मूवी बाहुबली को लेकर बात की। नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ बातचीत में राणा दग्गुबाती से पूछा गया कि आपने अपनी लाइफ में दो ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं जो कि बाहुबली और बाहुबली 2 है, लेकिन आपने बाहुबली का रोल प्ले नहीं किया, क्या आपको बुरा लगता है? इसके जवाब में राणा दग्गुबाती ने कहा, नहीं, लेकिन मुझे मारने के लिए 2 बाहुबली की जरूरत पड़ी थी, यही लाइफ है। इसके बाद राणा दग्गुबाती से पूछा गया कि क्या आप चाहेंगे कि आपके नाम पर कोई मूवी बने। इस सवाल के जवाब में एक्टर ने कहा, हाँ, ये शो मेरे नाम पर ही है। एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी मूवी बाहुबली साल 2015 में रिलीज हुई थी, जिसमें राणा दग्गुबाती ने भल्लाल देव का किरदार निभाया था। वहीं प्रभास ने बाहुबली का रोल प्ले किया था। इसके बाद साल 2017 में बाहुबली 2 रिलीज हुई। दोनों फिल्मों ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। बताते चले कि राणा दग्गुबाती की वेब सीरीज में राणा नायडू में सुरवीन चावला, वेंकटेश, अभिषेक बनर्जी और सुशांत सिंह जैसे सितारों ने काम किया। कलाकार राणा दग्गुबाती ने मीडिया के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया कि मुझे भी नहीं पता कि बाहुबली 3 कब शुरू होगी, ये कभी बनेगी भी या नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये सब राजा मौली के ऊपर है। अगर वो मुझसे अभी कहेंगे तो मैं तुरंत बाहुबली 3 की शूटिंग शुरू कर दूंगा। मतलब इससे ये साफ है कि अगर राजा मौली फिर से मौका देते हैं राणा को, तो वो इस फ्रेंचाइजी से पीछे नहीं हटने वाले। एक तमिल मैगजीन में छपी खबर के मुताबिक मूवी के राइटर विजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि इस मूवी की कहानी पहली 2 फिल्मों से पूरी तरह अलग होगी। उन्होंने ये भी बताया कि पहले 2 पार्ट के लीड एक्टर प्रभास और कटप्पा जैसे अहम किरदार तीसरे पार्ट में नहीं होंगे। खैर, अब आप बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं बाहुबली 3 को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।